Hey friends, welcome back to my channel Sparkle and Shine. And I know आजकल मेरे videos जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं. पहले मैं हफ्ते में दो videos upload करती थी, लेकिन आजकल एक भी कर लेती हूँ तो I feel कि चलो ठीक है, मैंने अपने side से मेहनत करी है. कुछ issues हैं, कुछ अंदर से भी मन नहीं करता videos बनाने का, कुछ problems भी चलती रहती हैं दिमाग में, तो इस वजह से वो जिस एनर्जी के साथ आना चाहिए वो हो नहीं पाता है. आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मैं अपनी एक्चुअल एनर्जी में हूँ, तो मतलब मुझे लगा कि मैं सारे वीडियोज जो हूँ ना वो शूट आज ही कर लूँगी, चाहे मैं धीरे धीरे उनको अपलोड करती रहूँ, बिकॉज फिर दोबारा ऐसा मूड कब हो पता नहीं. ओके, सो आज जो आपके साथ मैं प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोडक्ट, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, मीन्स अपने जानने वालों में से पूछा, तो उन लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता था, तो मुझे लगा कि मैं इसको बता देती हूँ. बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है. अगर आपके घर में बर्थडे है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमें बलून्स का जो डेकोरेशन करना होता है तो हम वॉल्स पर लगाते हैं या फिर हम थ्रेड करके उसमें से लगाते हैं. बट अगर आप घर में किसी एल्डर अडल्ट के लिए अगर आप बर्थडे डेकोरेशन कर रहे हैं तो कभी कभी वो बहुत ही किडिश सा लगने लगता है, तो अगर आप चाहें तो उसके लिए आपके पास बलून स्टैंड का एक ऑप्शन है, उसमें आप बलून्स लगाएं और उनको साइड बाय साइड ऐसे रखें, बीच में केक रखें, इट गिव्स यू अ गुड एलिगेंट लुक. तो ये मैंने एक्चुअली जेब की, मेरे हस्बैंड की बर्थडे आने वाली है उसके लिए मैंने मंगाया, सो आई थॉट यूजफुल है, इट शुड गो टू यू ऑल्सो. ठीक है, सो आइए मैं आपको उसको ओपन करके बताती हूँ. एक तो मैंने एक्चुअली ओपन कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और इसे असेंबल कैसे करना है. बहुत ही ईजी है. ठीक है, तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको. ये है बलून स्टैंड, मैंने मंगाया अमेजन से है. ठीक है, मिलता ये फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी है. इसके साथ आपको मिला है ये स्टिक्स हैं. ठीक है, ये जो हैं आपको स्टिक्स मिलेंगी, जिसमें से ये दो जो हैं वो ये देखेंगे आप, कंपेयर टू अदर्स ये दो जो हैं वो थोड़ी चौड़ी हैं. ठीक है, और इसके साथ मिलेगा आपको ये स्टैंड, जिसमें ये आप इस तरीके से ये लगाएंगे. ये पहले ये चौड़ी वाली लगेगा, उसके बाद ये पतली वाली यहाँ पे साइड बाय साइड लगती जाएंगी इस तरीके से. ठीक है, अभी मैं और पहले दिखा देती हूँ क्या क्या है, फिर मैं आपको असेंबल करते हैं. स्टिक्स हैं और उसके साथ आपको ये दिए हैं इन्होंने सेवन होल्डर स्टिक्स हैं, तो इनको जो है वो आपको इसमें लगाना है इस तरीके से, और फिर जो है वो आप इसमें बलून्स लगा सकते हैं यहाँ पर हैं. उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो अगर आपको बलून्स ये स्टैंड्स की हाइट बढ़ानी है तो उसके लिए इन्होंने ये इस तरीके के अटैच ये दिए हुए हैं, आप कह सकते हैं अटैचमेंट्स के, आप इनको एक्सटेंडर्स कह सकते हैं आप, कि आप इनको इनकी हाइट जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से. ठीक है, मैं इन दोनों स्टैंड्स को रेडी कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आ रहा है, वैसा ही है कि नहीं जैसा अमेज़न पे लगता है कि नहीं. मैंने एक्चुअली अभी खुद भी नहीं ट्राई किया है. और दूसरी चीज़ कि अभी एट प्रेजेंट मुझे इसको देख के ये समझ में आ रहा है, दो एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू जो हम वॉल पे बलून्स को स्टिक करते हैं, उससे कंपेयर करें तो दो एडवांटेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, वो मैं देखती हूँ वर्कआउट करते हैं कि नहीं और फिर आपसे शेयर करती हूँ. ठीक है, तो आई थिंक 5-6 मिनट लगेंगे मुझे, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ. अगर इस वीडियो पे मुझे मतलब लगा कि हाँ आप लोग को पसंद आया है, इस पे लाइक्स आए हैं, तो मैंने अमेज़न पे बहुत सारे इस तरीके के बलून के जो आर्क बनाना है या जो चार का हम बंच बनाते हैं वो सब का ऑप्शन है, मैं वो सब भी लेकर और उनका भी रिव्यू करूँगी. इसमें अभी दो बलून्स लगाने और बचे हैं, और ये आप ये देख रहे हैं कि ये जो कन्फेटी वाला बलून है ये बहुत बड़ा होता है. ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए इस पे लगाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कन्फेटी वाला जो भारी बलून है उसका ये वजन नहीं ले पा रहा है, तो इस पर आई एम नॉट श्योर कि ये कन्फेटी वाला इस पर लगेगा कि नहीं, बट मैं देखती हूँ. ठीक है, लेकिन ये इसकी वजह से थोड़ा सा गिर रहा है, तो कन्फेटी बलून जो हैवी बलून्स होते हैं उनका वजन ये नहीं ले पा रहा है, लाइट बलून्स का ले रहा है. तो अभी इसमें मुझे दो और लगाने हैं, एक स्टैंड में 7 बलून्स लगा सकते हैं, दो इसमें और बचे वो लगाती हूँ, फिर उसको रेडी करती हूँ, फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ. इसमें एक फायदा मुझे ये लग रहा है कि इसको मुझे ना टाई करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट टाइंग ऑल्सो आई थिंक ये क्लिप इसको होल्ड कर लेगी, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इस बलून को रीयूज़ कर सकते हैं, वरना गांठ खोलने में तो बलून्स की
फुलाने से ज़्यादा टाइम लगता है गांठ खोलने में, मेरे साथ तो यही होता है, डोंट नो कि बाकियों के साथ क्या है, बट यस सी ठीक है। तो इससे आप ये देखिए, ये एकदम इससे इंटैक्ट हो गया है और इसमें बिल्कुल भी अब गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमें पार्टी के बाद इफ़ यू वांट वी कैन जस्ट रिमूव इट लाइक दिस एंड यू कैन ईजली रीयूज योर बलून्स। ओके, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ऐसा मुझे लग रहा है, बट मैं इसको लगा के देखती हूँ कि चलेगा कि नहीं, काफ़ी देर तक ये ऐसे इंटैक्ट रहता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने जो है ये वाला ज़मीन पे रख दिया है, तो ये आप देखिए काफ़ी हाइट हो गई इसकी। और अगर आप रूम्स को डेकोरेट करना चाह रहे हैं तो हर रूम में अगर आप एक एक कॉर्नर पे लगा देंगे तो रूम का भी काफ़ी अच्छा लुक हो जाएगा। ये जो है वो छोटा है, मतलब इसको आप चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वरना फिर आप इसको टेबल पे ऐसे रख सकते हैं। कन्फर्टी बलून्स भी मैंने अमेजन से लिए हैं, मैं उसका भी लिंक आपको डाल दूंगी इसलिए क्योंकि ये वाकई में काफ़ी अच्छे हैं। और काफ़ी लोगों ने उस लिंक पर ये लिखा हुआ था कि जो कन्फर्टी है वो वॉल पे, बलून की वॉल पे क्यों नहीं स्टिक हो रही है, तो भाई उस पर आपको स्टैटिक देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, सर पे रब करिए या कहीं चादर वादर पे ऐसे रब करिए, स्टैटिक उसके चारों तरफ करिए और फिर ऐसे ऐसे हिलाइए कन्फेटी, तो वॉल पे स्टिक हो जाती है। मैं चाहती हूँ जब कोई मेरे चैनल पे आए कुछ भी नया सीख के जाए, तो हो सकता है कुछ लोगों ने जो ये टेक्निक यूज़ नहीं करी हो उसके लिए नया हो। नेक्स्ट थिंग इज, आपको इन्हें वॉल पे नहीं लगाना पड़ेगा, तो स्पेशली कुछ घरों में जिनका नया घर होता है और दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर इंटीरियर्स, दे डोंट वांट टू स्टिक इट ऑन देयर वॉल्स एंड ऑल, तो फिर आप उसके लिए भी यू नो दी स्टैंड्स वर्क गुड बिकॉज आपकी वॉल सेफ रहेगी। और हाँ, बच्चों के बर्थडे में तो देखिए वो लगाना मंगाने में मज़ा आता है और फिर सब बच्चे जो है वो बलून वलून फोड़ फाड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि हम घर में छोटी मोटी पार्टीज कर रहे हैं और यू नो अपने से ही डेकोरेशन भी करना है, तो मुझे लगा ये पीस बहुत ही अच्छा है, मुझे यूजफुल लगा ये प्रोडक्ट। छोटा है, ज़्यादा कुछ खास इसमें बताने को भी नहीं था, बट मुझे क्योंकि मेरे चैनल का पर्पज़ है टू गिव यू एनी थिंग यूजफुल विच आई एम यूजिंग, दैट्स इट, तो मुझे यूजफुल लगता, सो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। That's it for this video. See you in my next video. Till then, bye bye.